जाजी जाजी पढ़ो तो नहीं भारू ना नहीं। तो भाई हमारे जो सट्टी थे वो पूरी तरह पक चुके हैं और आज हम मड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स सारे खेत में चले गए हैं, मुझे अब जाना है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हिमांशु आता हूँ, वेलकम टू के ब्लॉगर। तो सब कैसे हो? बढ़िया। चलो फिर दिखाते हैं आज का ब्लॉग। तो वही अपने साथ लेके जा रहा हूँ तिरपाल। ठीक है, ये नीचे पर बिछाने का काम आएगा, तो उसको रखते हैं कंधे में और चलते हैं अपने घर से। तो आज का मौसम देख रहे हो भाई, मौसम काफ़ी ख़राब है आज का। ठीक है, और इस टाइम की बात करें तो लगभग इस समय बज रहे हैं 4। अभी लगभग सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, और इस टाइम पे मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है, मतलब सही हो गया है। अभी बारिश आने के लक्षण तो है, मगर बारिश नहीं आएगी, तो इसलिए हम मानने के लिए जा रहे हैं आज भाई। अच्छा, क्या बात। अच्छा, जाजी जाजी पढ़ो तो नहीं भारू ना। तो भाई हम पहुंच गए खेत में और मौसम देख रहे हैं, बिल्कुल खराब है, बादल लगे हुए बहुत भयंकर। तो भाई देखो, हमने पूरा ख़त्म कर दिया, अभी थोड़ा बहुत रह रखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मनाई करने का रह रखा है उस पर। और ये निकल गए हमारे सट्टी। ठीक है भाई, और मौसम तो फिर वैसे ही है, अभी अंधेरा होने वाला है भाई। तो भाई इसको मारने के बाद इसे, ये इसको बोलते हैं पराल भाई। ठीक है, ये गाय बैलों का काम आता है और इसको झाड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पैर से जाकर कुछ चीज़ थोड़ा बहुत छूट के बीज, तो उनको झाड़ने के काम आता है भाई। तो लट्ठे झाड़ना पड़ता है इसको, तो सारे बीज नीचे गिर जाएं, और उसके बाद इनको सुखाना पड़ता है इस तरह से भाई। ठीक है, अब इनको सुखाएँगे, अभी सुखाने का डाला नहीं है। तो धूप में सुखाने के बाद इनको घर लेके जाएंगे, उसके बाद गाय बैलों को खिलाएंगे भाई। तो ये चिन्नी आ रहा है, वैसे बोला जाए तो पराल का। तो
तो भाई हमारे सट्टी हो गए और हमने मान दिया और इनको भरा जा रहा है अब कट्टे में। ये मारा पितर देव तो नर्स हो गया था मारा आज कटा देता तो भाई हमारा वाला खेत पूरा हो गया। अब जो दूसरा खेत हमारा यहाँ है उसको भी करना है आज हमने। तो मम्मी लोग चाची लोग उसे भर रहे हैं कट्टे को और चलते हैं आगे की तरफ, आगे वाला खेत करते हैं। तो भाई हम दूसरे खेत में पहुँच गए और यहाँ पर भी काफ़ी छोटा सा कनका है जिसे हमने मानना है। तो आज कंप्लीट करना है हमें दोनों, ऊपर का भी हो गया और नीचे का करना है भाई। तो ये है तो भाई हमने तिरपाल बिछा दिया और मम्मी ये अभी आएंगे साथ में, चाची ये भी हैं काम करने के, हेल्प करने के लिए। तो अभी आ रहे होंगे वो। तो भाई मम्मी ये अभी आए नहीं है अभी ऊपर वाले खेत में और यहाँ से हम अभी काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो भाई मेरा ये वाला है और ये वाला पापा का है और ये काफ़ी छोटा सा कनका है जो काफ़ी जल्दी मन जाएगा। चलो फिर मारना स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है हमारी मम्मी और वो है हमारी चाची जी, ये भी आ गए हैं खेत में। तो भाई हमारा वाला खेत भी पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ जो हमने पहले किया था उस वाले खेत में जा रहा हूँ, वहाँ पर कट्टा रखा हुआ जिसमें सट्टी रखे हुए जिसके अंदर, तो उसको मुझे सीधा घर लेके जाना है और जो यहाँ पर जो आधा कट्टा हमारा सट्टी निकला है उसको पापा लेके आएंगे। ठीक है तो चलते हैं सीधा घर की तरफ क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो भाई हम पहुँच गए अपने खेत में, इसको मम्मी लेके आएगी और मुझे ये लेके जाना है। ये हमारा एक कट्टा है उसे कंधे में रखते हैं सीधा घर की तरफ जाते हैं। तो भाई हम घर के लिए चलने के लिए तैयार हैं और आगे जा रहे हैं मेरे पापा और मैं पीछे से। और ये है हम, तो भाई हमारा सटी का कट्टा आ गया, ये पापा का रहा ये मेरा था। ठीक है भाई और काफ़ी ज़्यादा थकान लगी और रेस्ट करेंगे उसका पानी पीएंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी भाई? तो आज का हमारा जो हम जो हमारी जो लाइफस्टाइल होती है भाई गांव की, जैसे कि जिस तरह से हम गांव में रहते हैं, मैं वही चीज़ दिखाता हूँ ज़्यादातर आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके भाई, टेक केयर।